हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम सुजुकी जिक्सर SF155 का टेस्ट राइड करने वाले हैं। तो ये वाला जो मॉडल है ये 2023 का मॉडल है, जो कि E20 कम्प्लायंट है और OBD2 कम्प्लायंट भी है। तो सुजुकी ने अपने सारे टू व्हीलर के लाइनअप को एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन E20 कम्प्लायंट और OBD कम्प्लायंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास सुजुकी जिक्सर SF155। इसका भी हम टेस्ट राइड भी करेंगे और देखते हैं कैसे इसका परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। E20 कम्प्लाइंट मतलब ये बाइक सब चलेंगी उस पेट्रोल पर जिसमें अप टू 20% एथेनॉल ब्लेंड किया रहेगा। और OBD2 कम्प्लाइंट का मतलब है कि इसमें आपको ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम मिलेगा जो कि इमिशन को रियल टाइम में डिटेक्ट कर पाएगा। इसके साथ ही साथ बाइक में कोई भी मैलफंक्शन या फिर सिस्टम फेलियर होने पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट को एलिमिनेट कर देगा, जिससे बेटर फेलियर डिटेक्शन हो सकेगा। सुजुकी जिक्सर SF राइड कनेक्ट एडिशन की जो प्राइस है ये 1,47,877 एक शोरूम वडोदरा गुजरात है। इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें अभी भी 155cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 13.6 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 13.8 Nm का है। इसमें 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। टेस्ट राइड करने वाले हैं, तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये मॉडल बिल्कुल नया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 कम्प्लायंट ये बाइक हो चुकी है और इसका भी हम टेस्ट राइड करेंगे। वैसे गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है। इसका इंजन पावर परफॉर्मेंस वैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, बट गाड़ी आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो अभी E20 कम्प्लायंट हो गई, वैसे फ्यूल अभी आपको वैसा नहीं मिलेगा, बट जो गाड़ी है E20 कम्प्लायंट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो भी आपको E20 मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि इसमें आप E20 फ्यूल डाल सकते हैं और जो माइलेज है आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा, अराउंड 48-50 KMPL का माइलेज वैसे भी सुजुकी जिक्सर SF में आराम से मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है ये 1,75,000 ऑन रोड वडोदरा गुजरात है। और ये जो मॉडल है लेटेस्ट मॉडल है E20 कम्प्लायंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लेटेस्ट मॉडल है, अराउंड एक महीना हुआ है इसे यहाँ पे आए हुए गुजरात वडोदरा में। और गाड़ी चलने में वैसे ही है, सुजुकी जिक्सर का जो हैंडलिंग है, परफॉर्मेंस है, इंजन रिफाइनमेंट है, काफ़ी बढ़िया रहता है। इंजन में हल्की हल्की सी मैं बोलूँगा वाइब्रेशन टाइप की आती है, बट ओवरऑल गाड़ी जो है बहुत बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कंसोल में भी कुछ चेंजेस नहीं है, पहले जैसा ही कंसोल मिलता है। गियर पोजिशन इंडिकेटर अभी इसमें मिलता है, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है, और पावर जो इसकी अराउंड 13.6 BHP की और टॉर्क अराउंड 13.8 Nm का है। इसमें आपको 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। परफॉर्मेंस आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया है और सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है। स्टेबिलिटी की बात करें तो गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है, और राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो थोड़ा बहुत जो है नीचे की तरफ राइडिंग पोस्चर मिलता है, बाकी गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं है, पहले जैसे ही गाड़ी है। और अभी जो है E20 कम्प्लायंट हो गई है, तो गाड़ी का परफॉर्मेंस और भी आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। ब्रेकिंग की यहाँ पे बात करें तो ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है आगे और पीछे की तरफ, सिंगल चैनल ABS। तो पावर एंड परफॉर्मेंस अच्छा है इस बाइक का, बाकी स्टेबिलिटी हैंडलिंग आप देख ही सकते हैं कितने आराम से मैं इसको मनूवर कर लेता हूँ। सस्पेंशन का जो सेटअप है वो भी काफ़ी बढ़िया है।